हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 5th, यूनिट 9, अ शूटिंग टेस्ट। एक्टिविटी 8, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। बच्चों, यहाँ पे एक स्टोरी दी है। देयर वॉज अ फॉक्स एंड अ स्टॉर्क। दे वेर गुड फ्रेंड्स। One day they met and talked। बच्चों, किसके बारे में स्टोरी है? फॉक्स और स्टोर्क के बारे में। क्या कहा है? एक फॉक्स और एक स्टोर्क था, वो गुड फ्रेंड्स थे। एक दिन दोनों मिले और बातें करने लगे। ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। देखो, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। फिर क्या है, फॉक्स है वो स्टोर्क को अपने घर पे इनविटेशन देता है खाने के लिए। फिर वो उसके घर पे खाने के लिए जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसे डिश में खाना मिलता है। फॉक्स से वो खा सकता है, फिर स्टोर्क है वो नहीं खा सकता। फिर अब वो वहाँ से ऐसे ही चला जाता है स्टोर्क। फिर स्टोर्क है वो फॉक्स को अपने घर पे खाने के लिए बुलाता है, और फिर वो क्या करता है, उसके घर पे उसे खाने के लिए इनविटेशन देता है। फिर स्टोर्क के घर पे फॉक्स से वो खाने के लिए आता है। वहाँ पे स्टोर्क है वो क्या रखता है, दो पॉट रखता है। इसमें से स्टोर्क है वो आसानी से खा सकता है, पर फॉक्स से वो नहीं खा सकता। इसलिए हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें वापस फल मिलेगा। चलो भाई, आगे देखते हैं। बट वॉट वी हैव इज एन इनकम्प्लीट कन्वर्सेशन। रीड इट केयरफुली एंड सप्लाई द मिसिंग पार्ट्स। यहाँ पे फॉक्स और स्टोर्क का कन्वर्सेशन है, डायलॉग से वो कंप्लीट करना है। फॉक्स सेज, डियर फ्रेंड स्टोर्क, व्हाई डोंट यू कम फॉर डिनर टू माय हाउस। क्या हुआ, फॉक्स है वो स्टोर्क को कहता है कि क्यों ना तुम मेरे घर पे खाने के लिए आ जाओ डिनर के लिए। स्टोर्क सेज, श्योर डियर फॉक्स, I would love to have dinner with you। स्टोर के वो क्या कहता है कि क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे साथ खाने में बहुत मज़ा आएगा, मैं तुम्हारे साथ डिनर करूँगा। फॉक्स सेज, वेरी वेल, वी शैल मीट टुमारो इवनिंग। फिर फॉक्स से वो क्या कहता है, ठीक है चलो हम लोग कल शाम को मिलते हैं। स्टोर सेज, Yes, we will meet tomorrow evening. I am so excited. स्टोर्क वो क्या कहता है कि हाँ ठीक है, हम लोग कल शाम को मिलते हैं और मैं इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। द स्टोर्क रीच्ड द हाउस ऑफ द फॉक्स। ही वॉज सरप्राइज्ड। द मील वॉज सर्व्ड इन प्लेट्स। स्टोर्क है वो फॉक्स के घर पे पहुंचता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचा, वो सरप्राइज हो गया था, क्योंकि मील है वो किस में परोसा गया था, प्लेट में, उसमें सर्व किया गया था। स्टोक सेज, व्हाई हैव यू यूज्ड अ प्लेट फॉर मी, आई विल नॉट एबल टू ईट द मील। स्टोक ने क्या कहा कि तुमने मेरे लिए प्लेट में खाना क्यों डाला है, मैं प्लेट में से खाना नहीं खा सकता। फॉक्स सेज, ओह रियली, आई डिडंट नो दैट, बट दिस मील इज सो टेस्टी, आई एम एंजॉइंग मायसेल्फ। फिर फॉक्स ने क्या कहा कि हाँ सच में मुझे इस बारे में नहीं पता था, पर यह मील है बहुत ही टेस्टी, इसलिए मैं खाता हूँ और एंजॉय करता हूँ। The stork went home hungry, but did not forget the insult. A few days later, he invited the fox for a meal. Stork है वो ऐसे ही भूखा प्यासा वापस अपने घर पे चला गया, और उसने ये जो इंसल्ट हुई थी वो भूला नहीं था। कुछ दिन बाद उसने फॉक्स को अपने घर पे खाने के लिए इन्विटेशन दिया था। स्टोक सेज, वेलकम माई फ्रेंड, आई एम वेटिंग फॉर यू। स्टोक है वो क्या कहता है
कि आओ मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। फॉक्स सेज, थैंक यू डियर स्टोर्क, आई कैन स्मेल सम टेस्टी फूड, आई एम सो हंग्री। फिर फॉक्स से वो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मुझे अच्छी खुशबू आ रही है, मैं बहुत ही भूखा। स्टोक सेज, हियर इज अ डिलीशियस मील फॉर यू, दिस इज माई पॉट एंड दिस वन इज फॉर यू। फिर स्टोक भी क्या कहता है कि आ जाओ, ये तुम्हारे लिए डिलीशियस मील से वो रेडी है, ये पॉट है वो मेरे लिए है और ये वाला पॉट है वो तुम्हारे लिए। फॉक्स सेज, बट आई कैन नॉट पुट माई माउथ इन पॉट, हाउ विल आई ईट द मील। फॉक्स ने क्या कहा, पर मैं अपना मुंह है वो पॉट के अंदर नहीं ले जा सकता हूँ, मैं मिल कैसे खाऊंगा। स्टोक सेज, आई कैन ईट वेरी वेल फ्रॉम द पॉट एज यू कुड डू फ्रॉम द प्लेट। फिर स्टोक ने क्या कहा कि मैं पॉट में से अच्छे से खा सकता हूँ जिस तरह तुम प्लेट में से खा सकते हो, इसी तरह जैसे फॉक्स ने स्टोक की इंसल्ट की थी वैसे ही स्ट्रोक ने फॉक्स की इंसल्ट कर कर अपना बदला ले लिया। बच्चों, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा, इसलिए हमें सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। थैंक यू।